जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सतपुली नगर पंचायत कार्यालय के समीप फेंके गए कूड़े और गौवंश मामले में संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली की ईओ को इस मामले में रिपोर्ट देने की बात कही, जिससे आने वाले समय में इस तरह के दृश्य दोबारा दिखाई ना पड़े। आपको बता दें कि नगर पंचायत सतपुली कार्यालय के समीप ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इसी कूड़े के अंबार में आवारा पशु भी मरे हुए हैं, जिसकी दुर्गंध से आसपास के लोगों को दिक्कतें होती हैं। वहीं सतपुली कार्यालय के समीप ही राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय भी मौजूद है। बावजूद इसके नदी के ही ऊपर कूड़े डाले जाने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के पास पहुंचा है। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। सर, ये तो बहुत बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सहायक गंगा की सहायक नदी है, इसमें इस प्रकार से मवेशियों का मरना, कुत्ते नोज के खा रहे हैं। ये अभी मैं तहसील से आ रहा था तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे इसकी स्थिति बनी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये सहायक नदी है, ये NGT की बड़ी अनियमितताओं के उसमें आता है, तो गलत है। वैसे ये सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ये कई दिनों से ऐसी चली आ रही है। लगभग हमारे यहाँ पर भूमि हमारे यहाँ पर चयनित की जा चुकी है, क्योंकि हमें भारत सरकार से इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण हमारा यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। जैसे हमें विधिवत स्वीकृति प्राप्त होती है, हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर बना दिया जाएगा। संबंध में जो लीगेसी बेस को हमें डिस्पोज ऑफ करना है, उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी ईओ और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं SDMs को दिए हुए, और जो प्रकरण आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं उसके क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाई तेजी से की जानी है, उसके लिए उन्हें निर्देशित किया।